से है एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए मैं फिर से फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, क्योंकि जा रही हूँ फिर से चेंज करना, मतलब ड्रेस पहनना, बाहर जाना है। और आज रात को ये हम लोग का ट्रेन, और ट्रेन हो चुका है लेट, 8:15 का था, अभी 11 बज गया, तो टाइम हम लोग के पास बहुत है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं डिनर करने जाएंगे, तो प्रियंका को बोले हैं कहीं अच्छा एक रेस्टोरेंट ले चल रहे, तो देखते हैं वो कहाँ ले जाती है कहाँ नहीं। तो पहले चलिए रेडी हो जाते हैं फिर निकलते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट के लिए निकल चुके हैं, आर्यन और प्रियंका आगे हैं, मैं और आर्यन के पापा संग में, तो चलिए पहले पहुँचते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, रात का डिनर करेंगे, तो चलिए जाते हैं पहले, सभी कोई आए हुए हैं यहाँ पे। चलो रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं और अच्छा लग रहा है भाई। हम लोग वहाँ बैठे थे, वहाँ इतना ठंड लगा, यहाँ भाग के आ गया। और यहाँ पे है मेन्यू, टाइम भी नहीं है, टाइम अगर होता तो मतलब और वही टाइम नहीं है क्या, आज हम लोग को रात में ट्रेन भी है। बिरयानी है यार, हम तो बिरयानी ही खाएंगे। ये सब जगह आलू नहीं ना बनता है, कोलकाता में जो आलू पड़ता है ये लोग डालती होगी स्पेशल। बीच के साइड में बेंगोली मिलेगा, ये वाला पहले बेंगोली था, फ्रेंचाइजी है काठी जंक्शन, तो उधर में ही है लेकिन फ्रेंचाइजी निकाल खुद ही करते हैं। यहाँ पे हम लोग खाना, देखो ना, देखो उसको स्मेल कर रहा है। तो यहाँ आर्यन लोग का भी खाना आ गया, आर्यन नारायण के पापा को ये खाना है, क्योंकि आर्यन तो पूरा वेजिटेरियन है। तो ये लच्छा पराठा और ये जो पनीर की सब्जी, चिल्ली पनीर, और यहाँ हम लोग खा रहे थे, तो हम लोग का वीडियो बन रहा था, जो खाना बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल देखिए खाना मतलब खा के निकल चुके थे, खाना क्या ही बोले, बहुत टेस्टी था, मतलब बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखिए अपने होटल की तरफ जा रहे, क्योंकि कपड़ा वगैरह मतलब सब तो समेट लिए हैं, बस अपना बैग लेना है और निकल जाना है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 9:20 हो चुका है। तो हम लोग बोले समय से पहले थोड़ा पहुँच जाते हैं, क्योंकि जल्दी चले जाना सही है, ट्रेन लेट है उससे भी क्या करना। तो यहाँ पर देखिए मंदिर की तरफ से ही जा रहे थे, क्योंकि हम लोग का होटल मंदिर के पास से ही होके जाता है। तो यहाँ पे देखिए रथ रखा हुआ है, तो जो भी बोलिए पूरी आके ना बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मतलब थोड़ा सा बीच बीच घूमो, बाहर घूमो, मंदिर जाओ, फिर आके अपने होटल में एकदम आराम से सो जाओ। और यहाँ पे एक बार और मंदिर को देख लीजिए। तो फिलहाल चलिए जाते हैं, फटाफट से अपना सामान लेते हैं, फिर स्टेशन के लिए निकलते हैं। स्टेशन पहुंच चुके हैं, और यहाँ देखिए भाई मतलब लोग सोए हुए हैं, अरे बाप, पूरा देख सकते हैं। चलिए हाँ होगा, खूबसूरत से लाइट वाइट हुआ है, और सबसे अनजाना व्यवस्था बहुत अच्छा किया गया है, जो लोग सोए हैं, कितने सारे पुलिस लोग हैं भाई अंदर में, पूरे रास्ते में भी दिख रहे थे, सिर्फ पुलिस ही पुलिस। रथ पूजा की वजह से ना पूरा स्ट्रिक्टली कड़ाई किया गया है। चलिए स्टेशन पे आ गए हैं भाई, हर जगह भीड़ दिख रहा है, ठंडा भी लग रहा है, पंखा हर जगह का चल रहा है। चलिए हम लोग का ट्रेन आएगा 6 नंबर पे, जाते हैं 6 नंबर पे, और 8:15 का ट्रेन था, आज हम लोग का लेट है, 11 बजे है। हम लोग का ट्रेन भी खड़ा है, देख सकते हैं। बैठ चुके हैं, अभी खुलने में टाइम है 11 बजे, अभी 10:40 हो रहा है, तो देखते हैं कब खुलता है।
हम लोग का ट्रेन खुल चुका है पक्का 11 बजे जय जगन्नाथ 11 बजे तो फिलहाल चलिए ट्रेन तो खुल चुका है और खाना वगैरह हम लोगों ने खा ही लिया है। बस आर्यन के पापा को बोली कि पानी रख लीजिए क्योंकि पानी बहुत प्यास लगने वाला है मुझे, क्योंकि मैंने बिरयानी खाया था तो बिरयानी खाने के बाद ना बहुत प्यास लगता है। और उसके बाद चलिए फ़ोन वगैरह रखते हैं क्योंकि रात हो गया है, अभी रात में कुछ दिखाने को है ही नहीं तो सोते हैं क्योंकि नींद भी बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। अच्छे से अपने फ़ोन वगैरह रखते हैं, उसके बाद सुबह आप लोग से मिलेंगे। तो चलिए जाते हैं सो जाते हैं। और ये देख सकते हैं रात का समय और ये स्टेशन तो पूरा ही खाली है, छोटा सा स्टेशन था। चुका है और सुबह सुबह क्या ही नज़ारा है। तो चले जाते हैं थोड़ा सा वॉशरूम जाते हैं, मतलब कूलर वगैरह करेंगे, उसके बाद देखते हैं चाय वगैरह तो पीएंगे। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हरियाली पूरा दिख रहा है ना। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए मैंने चाय ले लिया, आर्यन के पापा लिए थे वो पी चुके हैं, बोले अच्छा है तुम भी पियो तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ। सच में चाय बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। और बाहर का क्या ही व्यू है यार, हरियाली मतलब क्या बोलो। सच बताऊँ ना तो मुझे स्लीपर क्लास ही मतलब ट्रेन अच्छा लगता है, क्यों बाहर का नज़ारा देखते देखते अब जाओ। ये है कि देखिए अब ना सेफ नहीं है, पहले जो था पहले लोग क्या था यार, स्लीपर में ही आना जाना करते थे लोग, खुद करते थे। बट अभी ऐसा हो गया ना, सच में अनसेफ हो गया है। मतलब ऐसा ऐसा कांड होता है ना, क्या बोलेंगे, जैसे कब आपका सामान गायब हो जाए पता भी नहीं चलेगा। तो सामान को तो डीपली पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेरे संग हो चुका है भाई, इसलिए मैं अभी जब भी जाती हूँ ना हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ, हर चीज़ का। मैं नींद अपना ना पूरा करूँ घर जाके सो लूँगी, बट अपना सामान सही से बस लेके जाना और लेके आना है। तो फिलहाल चलिए ट्रेन तो ऐसे भी रात में लेट खुला था, 11 बजे लेट पहुंचेगा भी, सुबह सुबह पहुंच जाता ना तो थोड़ा अच्छा होता। आर्यन के पापा बोल रहे थे कि हम भी ड्यूटी चल जाते हैं, बट कोई नहीं, मैं बोली हाफ डे चल जाएगा क्योंकि अब लेट होने ही वाला है, देखिए कब पहुंचते हैं कब नहीं। घर जाके देखेंगे फटाफट से ना खिचड़ी वगैरह बना लेंगे, जो कि जल्दी बन भी जाएगा। और खा के मैं तो सोने वाली हूँ, वैसे भी ट्रेन में सो के आई हूँ, फिर भी मुझे नींद आ रहा है कि मुझे घर जाके ना पूरा अच्छे से नहा धोवा के सोना है। तो फिलहाल चलिए अपना जब तक जो भी सफ़र बाकी है तय करते हैं, क्योंकि ब्रश घर पे जाके करेंगे, स्लीपर क्लास का क्या ही बोलूँ। वॉशरूम हुआ या फिर वेसिंग हुआ, बहुत गंदा हो रखा, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं थोड़ा सा गई थी, क्या बोलूँ, बहुत घिनना रहा था यार। तो फिलहाल चलिए पहुँचते हैं हावड़ा स्टेशन, उसके बाद जैसा जो होता है वीडियो में बने रहिए, करेंगे क्या करेंगे, बस मन करे कब घर पहुंचे और रेस्ट करे। स्टेशन पर उतर चुके हैं भाई, काफ़ी ट्रेन लेट हो गया यार, कहाँ हम लोग 7:30 बजे पहुँचने का, अभी 10:30 होने जा रहा है। चले चलते हैं, कहाँ चलेंगे, उधर उधर क्यों। तो फाइनली आ गए हावड़ा। अरे आर्यन अच्छा लग रहा है हावड़ा आके, कि पूरी में रहना था आपको, पूरी में रहना था कि हावड़ा। ठीक चले चलते हैं घर। तो
फाइनली दिन में आ गई थी मैं 12 बजे ही, और आने के बाद ना फटाफट से घर वगैरह साफ किया, रूम बहुत गंदा हो रखा था, तो पहले मैंने उसी कपड़ा में ना पूरा मतलब जो भी बेड बेड होता है साफ किया, उसके बाद से घर को झाड़ा, चाय बनाई, चाय बनाने के बाद फटाक से मैंने खिचड़ी बैठा दिया, उसी में आलू डाल दिया कुकर में ही, उसके बाद मैं चली गई नहाने, मतलब शैम्पू वगैरह करके नहाई, उसके खा के जो सोई ना मैं सीधे उठी 5:30 बजे, और अब भी खाना वाना शाम का बना ली हूँ, फिर इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो ये जो पूरी वाला ट्रिप रहा काफ़ी अच्छा था, हमारा एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाया तो काफ़ी अच्छा लगा, भगवान मुझे हमेशा ऐसे ही अपने पास बुलाते रहे। तो फिलहाल चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते, अगर आप लोग को पूरी का वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। तो चलिए वीडियो में बने क्या बोलूँ, वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।